हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी और मैं अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो में टीवीएस की राइडर 125 और होंडा की एसपी 125 इन दोनों बाइकों का डिटेल कंपैरिजन हम यहां पे करने वाले हैं। दोनों बाइकों को कंपेयर करके देखेंगे कौन सी बाइक में क्या फीचर्स बेटर देखने को मिल जाते हैं, कौन सी बाइक में बेटर इंजन देखने को मिल जाता है या फिर क्या कुछ मिलता है दोनों बाइकों में, और यहां से डिसाइड करेंगे कौन सी बाइक आपको पिक करनी चाहिए, कौन सी बाइक आपको लेनी चाहिए। तो यहाँ पे अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों बाइक की फ्रंट लुक के बारे में। यहाँ पे राइडर 125 के फ्रंट में आपको एलईडी डीआर देखने को मिल जाती है, एलईडी हेडलाइट दी गई है और हेलोजन इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एसपी 125 की बात की जाए तो एलईडी हेडलाइट यहाँ पे दी गई है, हेलोजन इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं, एलईडी डीआर यहाँ पे नहीं है। इसके साथ ही अगर लुक्स की बात की जाए तो राइडर 125 आपको ज़्यादा स्पोर्टी और ज़्यादा एग्रेसिव लुक्स देती है और देखने में ज़्यादा आई कैचिंग लगती है। यहीं पर एसपी की लुक की बात की जाए तो एसपी थोड़ी स्पोर्टी लगती है और थोड़ी सिंपल लुक आपको देती है, तो ये थोड़ी देखने में राइडर के कंपैरिजन में सिंपल लगती है। इसके साथ ही रियर लुक की बात की जाए तो राइडर 125 के रियर में आपको डुअल वी शेप एलईडी टेलाइट देखने को मिल जाती है और यहीं पे आपको हेलोजन इंडिकेटर दिए गए हैं और नीचे की साइड आपको सीट ओपन करने के लिए लॉक दिया गया है और ये थोड़ा ज्यादा स्पोर्टी लगता है एसपी के कंपेयर में। एसपी में आपको सिंपल टेलाइट देखने को मिल जाती है और यहीं पर आपको हेलोजन इंडिकेटर दिए गए हैं, तो यहाँ पर ज्यादा स्पोर्टी वाली फील नहीं है अगर राइडर 125 को कंपेयर कर रहे हैं उस टाइम। अब दोनों बाइकों की साइड लुक की बात की जाए तो राइडर 125 साइड में से ज्यादा प्रीमियम लगती है। इस बाइक के अंदर आपको प्रीमियम स्ट्रीट नेक डिजाइन देखने को मिल जाता है और ये आपको फील करवाता है एक फुली स्पोर्ट नेक बाइक की तरह। और यहीं पर एसपी 125 की बात की जाए तो यहाँ पे आपको गुड कम्यूटर नेक डिजाइन देखने को मिल जाता है। नेक्ड बाइक लगती है थोड़ी, लेकिन कम्यूटर ज्यादा लगती है एसपी, और यहीं पर आपको जो फील होता है बाइक को देख के वो कम्यूटर प्लस स्पोर्टी होता है, मतलब एक कम्यूटर बाइक है और थोड़ा सा स्पोर्टी आपको फील करवा देती है। यहीं पर राइडर के अंदर आपको स्प्लिट सीट्स देखने को मिल जाती है और एसपी के अंदर आपको सिंगल पीस सीट देखने को मिल जाती है राइडर और पिलियन के लिए। राइडर 125 के अंदर आपको फुली स्पोर्टी टैंक डिजाइन देखने को मिल जाता है और एसपी के अंदर आपको थोड़ा स्पोर्टी और थोड़ा सिंपल टैंक देखने को मिल जाता है राइडर के कंपैरिजन में। यहीं पर दोनों बाइकों के सस्पेंशन की बात की जाए तो राइडर 125 के फ्रंट पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, रियर में आपको गैस चार्ज मोनोशॉक्स एब्जॉर्बर देखने को मिल जाता है। एसपी की बात की जाए तो एसपी के फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, रियर में आपको डुअल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर ब्रेक्स की बात की जाए तो राइडर के फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है और इसमें आपको एसपीटी टेक्नोलॉजी मिलती है, टीवीएस की सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। और एसपी के अंदर आपको फ्रंट में 240mm का डिस्क और रियर में 130mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको होंडा की कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही टेक्नोलॉजी सेम है, दोनों बाइकों के रियर ब्रेक को दबाने से फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होता है, बाकी नाम का फर्क है, कोई बड़ा फर्क यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पर टायर साइज की बात की जाए तो राइडर के फ्रंट में आपको 80/117 का टायर साइज देखने को मिल जाता है, रियर में 100/90/17 का टायर साइज देखने को मिल जाता है। दोनों ही टायर यहाँ पे ट्यूबलेस है। यहाँ पर एसपी की बात की जाए तो एसपी के फ्रंट में आपको 80/180 और रियर में भी 80/118 का टायर साइज देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी दोनों टायर आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाते हैं। तो टायर साइज के हिसाब से राइडर 125 थोड़ी बेटर है एसपी के कंपेरिजन में। अब यहाँ पर इन दोनों बाइकों के थोड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स और स्पेक्स की बात की जाए तो राइडर 125 के अंदर आपको 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, एसपी में 160mm। इसके साथ ही सीट हाइट राइडर में 780mm और एसपी में 790mm। राइडर में वेट 123kg और एसपी में वेट 118kg। राइडर में फ्यूल टैंक 10 लीटर का देखने को मिल जाता है, एसपी में 11 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया। यूएसबी चार्जर आपको राइडर में देखने को मिल जाता है, एसपी में ये चीज़ नहीं दी गई है। और यहीं पर साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच की बात की जाए तो राइडर में आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन एसपी में ये चीज़ नहीं मिलती है। और राइडर 125 के अंदर आपको किल स्विच देखने को नहीं मिलता है, एसपी के अंदर आपको किल स्विच दिया गया है। साथ ही राइडर 125 के अंदर आपको अंडर सीट स्टोरेज भी देखने को मिल जाती है, लेकिन एसपी में अंडर सीट स्टोरेज नहीं है। आप कोई एक्स्ट्रा सामान कैरी करना चाहते हो थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो राइडर में कर सकते हो राइडर 125 में। अब यहाँ पर दोनों बाइकों के डिजिटल मीटर की बात की जाए तो दोनों बाइकों में आपको फुली डिजिटल मीटर दिया गया है। राइडर के अंदर आपको कलर डिजिटल मीटर दिया गया है जो कि देखने में ज्यादा आई कैचिंग लगता है। और इनके अगर फीचर्स की बात की जाए तो राइडर के अंदर आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और दोनों बाइकों में फीचर्स काफी सारे हैं मीटर के अंदर, स्पीडोमीटर, रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्पटी एवरेज, इसके साथ ही ट्रिप ए ट्रिप बी, मतलब काफ़ी सारे फीचर्स हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि राइडर 125 के अंदर आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। राइडर के अंदर आपको कुछ 9-10 फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं एसपी के कंपैरिजन में। सबसे पहला फीचर है टैकोमीटर, सेकंड मास्टर वार्निंग लाइट, थर्ड पावर मोड इंडिकेटर और इसके साथ ही आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पर एसपी के अंदर आपको क्विल स्विच देखने को मिल जाता है, वहीं पर राइडर में आपको राइडिंग मोड के लिए स्विच दिया गया है, जहाँ से आप बाइक को इको मोड और स्पोर्ट मोड में डाल सकते हो या फिर पावर मोड में। यहाँ फोर्थ फीचर ऑटो इंजन कट ऑफ
स्विच दिया गया है और उसका इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिफ्थ हेलमेट डिवाइडर इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। सिक्स्थ टॉप स्पीड रिकॉर्डर देखने को मिल जाता है और साथ ही में आपकी जो एवरेज स्पीड है वो भी आपको देखने को मिल जाती है। सेवन्थ ट्रिप एफ में देखने को मिल जाती है, जो कि जब बाइक के अंदर फ्यूल कम हो जाता है तो ट्रिप एफ आपकी ऑन हो जाती है। एट्थ लो बैटरी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। नाइन्थ आपको की इंडिकेटर यहाँ पे दिया गया है। और यहीं पर अगर आप राइडर के अंदर TFT स्क्रीन लेते हो तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें TVS के बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स आप यूज कर सकते हो TVS की ऐप के द्वारा। और यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट भी दिया गया है और 10x10 नेविगेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे फीचर्स के मामले में राइडर काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई है SP के कंपेयर में। अब दोनों बाइकों के इंजन की बात की जाए तो राइडर के अंदर और SP के अंदर दोनों में आपको 125 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है, लेकिन राइडर के अंदर आपको 3-valve इंजन देखने को मिल जाता है और SP में आपको 2-valve इंजन यहाँ पे दिया गया है। दोनों बाइकों में आपको 5-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाती है। पावर फेयर की बात की जाए तो राइडर 125 के अंदर आपको 11.2 bhp की पावर और 11.2 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। टॉप स्पीड लगभग आपको 110+ किलोमीटर प्रति घंटे तक की देखने को मिल जाएगी। माइलेज आपको 65 से 75 65-75 किलोमीटर प्रति लीटर तक की देखने को मिल जाएगी इको स्पीड के अंदर। यहाँ पर SP के पावर फेयर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 10.7 HP की पावर और 10.9 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। टॉप स्पीड आपको 107+ किलोमीटर प्रति घंटे तक की देखने को मिल जाएगी। माइलेज आपको 65 to 75 मतलब 65 से 75 किलोमीटर प्रति लीटर तक की देखने को मिल जाएगी। और यहीं पर प्राइस की बात की जाए तो मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया। राइडर 125 आपको 77,500 रुपये से स्टार्ट होकर 85,500 तक मिल जाती है, लेकिन जो TFT स्क्रीन है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। इसके साथ ही SP 125 की बात की जाए तो ये बाइक आपको 78,500 से 83,000 तक देखने को मिल जाती है। दोनों ही प्राइस मैंने एक्सोरूम बताई है। ऑन रोड प्राइस आप स्टेट के हिसाब से चेक कर सकते हो और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होकर मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लेना और अपने बाइक को फॉलो कर लेना। अब यहाँ पे बात आ जाती है दोनों बाइकों में से कौन सी बाइक पिक करनी चाहिए, कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं राइडर 125 के अंदर। यहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं बाइक में, ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स मिलती है और ज़्यादा स्पोर्टी फील करवाती है। यहाँ पर SP 125 की बात की जाए तो बाइक के अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा रिलायबल इंजन देखने को मिल जाता है और साथ ही यहाँ पे थोड़ी स्पोर्टी और कम्यूटर लुक्स देखने को मिल जाती है प्रॉपर। तो अगर आपको एक सिंपल बाइक चाहिए जो कि आप आंख बंद करके लेना चाहो तो अभी SP के ऊपर जा सकते हो। राइडर को अभी टेस्ट नहीं किया, टेस्ट करने के बाद इसके बारे में थोड़ा खुल के बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इस बाइक के ऊपर कि अगर आपको एक फीचरफुल बाइक चाहिए जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हो और ज़्यादा स्पोर्टी फील करवाती हो तो आप राइडर 125 की तरफ जा सकते हो। आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, TVS पे इतना पूरा भरोसा कर सकते हो, आपको कोई भी निराशा इस बाइक से भी नहीं होगी। और फीचर्स और लुक्स के अंदर तो अपने सेगमेंट में आज के टाइम में ये बाइक सबसे टॉप पे है, और फीचर्स में तो अपने से बड़े सेगमेंट में भी शायद इस बाइक की बराबरी में कोई बाइक आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में यही सब कुछ था। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा लेना और अपने बाइक को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो ना, मस्त रहो, खुश रहो यार।